हाय दोस्तों, T4 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप गूगल पे से आप किसी भी अकाउंट में पैसे को आप ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, तो वो भी आसान तरीके से मैं सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और सीख लेते हैं कि कैसे हम गूगल पे से किसी भी अकाउंट में हम पैसे को ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना गूगल पे एप्लीकेशन ओपन करना है। तो ये रहा मेरा गूगल पे एप्लीकेशन, इसको हम सबसे पहले ओपन करेंगे। जैसे आप गूगल पे एप्लीकेशन ओपन करेगा तो यहाँ पे जो भी आपने पासवर्ड वगैरह सेट करके रखा है इसको आपको डाल करके इसको आपको ओपन कर लेना है। तो चलिए, मैं यहाँ पे गूगल पे एप्लीकेशन मेरा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हमें पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है प्लस पेमेंट, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्लस पेमेंट है इसमें हम क्लिक करेंगे। प्लस न्यू पेमेंट में जैसे ही आप क्लिक करेगा आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुल करके आता है। अब आपको इसको बैंक में अकाउंट में यानी कि अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ट्रांसफ़र मनी का, तो सबसे टॉप में आपको देखने को मिल जाता है बैंक ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे जो बैंक ट्रांसफ़र लिखा हुआ है इसी में आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप बैंक ट्रांसफ़र में क्लिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है एंटर बैंक डिटेल, यानी कि आपको यहाँ पे बैंक का डिटेल भरना है। तो यहाँ पे आपको सबसे टॉप में आपको अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अकाउंट नंबर डाल देना है। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे ऊपर में अकाउंट नंबर डालिएगा उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आता है री एंटर अकाउंट नंबर, यानी कि आपको अकाउंट नंबर दोबारा यहाँ पे सेम जो आपने ऊपर में अकाउंट नंबर लिखा है उसी को आपको नीचे डाल देना है। तो चलिए, मैं नीचे भी अकाउंट नंबर सेम ही डाल देता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे री एंटर अकाउंट नंबर में हमने वही अकाउंट नंबर जो अब हमने ऊपर डाला था उसी को हमने नीचे भी डाला। अब यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर IFSC कोड यानी कि बैंक का, हर बैंक का IFSC कोड अलग अलग रहता है। तो यहाँ पे उस ब्रांच का IFSC कोड आप ले सकते हैं, यानी कि आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं या फिर आपके पासबुक में भी आपको IFSC कोड मिल जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे मैं अपना IFSC कोड डाल देता हूँ, यानी कि या फिर आप चाहें तो यहाँ पर जो सर्च IFSC कोड लिखा है यहाँ से आप IFSC कोड को सर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैं IFSC कोड फटाफट मैं डाल देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही आप यहां पे अपना IFSC कोड डालिएगा बैंक का, यहां पे नीचे आपको अपना नाम दिखाई देगा कि आपका कहां का ये ब्रांच है और सब नाम वगैरह सब शो होगा। मेरा मुंबई का है तो यहाँ पे मुंबई का सब शो हो रहा है। यहाँ पे रिसीप्ट नेम में आप जिसको भी पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका नाम लिख लीजिए। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पे आप उसका नाम लिख देता हूँ। तो ये सारे प्रोसेस पूरा करने के बाद अकाउंट नंबर या और दोबारा री एंटर अकाउंट नंबर और IFSC कोड और फिर यहाँ पे रिसीप्ट नेम डालने के बाद यहाँ पे नीचे आपको लिखा हुआ है कंटिन्यू, तो यहाँ पे कंटिन्यू में हमें क्लिक करना होता है। जैसे दोस्तों आप कंटिन्यू में क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर ये पेज आगे बढ़ेगा और अभी आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप इसको कितना अकाउंट में पैसे भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप जितने भी अकाउंट में पैसे सेंड करना चाहते हैं यहाँ पे आपको टाइप करना है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं यहाँ पे 200 रुपये सेंड करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अमाउंट लिख दिया। अब इसको पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए आपको तो यहाँ पे मैंने 200 अमाउंट डाल दिए और यहाँ पे प्रोसीड टू पे में हमें अब क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों आप प्रोसीड टू पे में क्लिक करते हैं, तो जैसे ही आप एंटर UPI पिन कोड डालेंगे उसके बाद यहाँ पे जो राइट टिक है नीचे ब्लू वाला इसमें हमें क्लिक करना होता है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं पेमेंट हमारा प्रोसेस में है, यहाँ पे लिख करके आ रहा है पेमेंट प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे आपका पेमेंट हो रहा है और यहाँ पे पेमेंट होने के बाद आपको इस तरीके से आएगा और यहाँ पे आपका पेमेंट हो चुका है। तो दोस्तों, वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटे के बटन जरूर दबाइएगा।